हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट अलाहाबाद। आज हम आपके लाए हैं टॉप 10 पार्ट 3 हिंदी शिक्षण। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आज जो वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं आप, क्वेश्चन के स्तर को देखकर आप खुद बोलेंगे, खुद आप कमेंट करेंगे कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये जो प्रश्न आपके समक्ष हैं बिल्कुल आपको हिला देंगे, आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि वास्तव में वागेश सर कितना मेहनत करके हम लोगों के लिए अच्छे अच्छे प्रश्न सीटेट लेवल के और इस तरह के टफ कॉम्बिनेशन वाले जो प्रश्न आते हैं सीटेट में, वो प्रश्न लाते हैं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपका भाई आपके लिए कितना परिश्रम करता है। तो वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, पहला काम बिल्कुल, क्योंकि आज जो प्रश्न हम लाए हैं बिल्कुल आपका मन खुश हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट दिया गया है मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। देखिए मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया, विस्तृत प्रक्रिया, संक्षिप्त प्रक्रिया। देखिए मूल्यांकन बालक के व्यवहार में हुए परिवर्तन का आकलन है। बालक के व्यवहार में हुए परिवर्तन व गुण दोषों की विस्तृत व्याख्या है, विस्तृत विवेचन है। तो क्या हो गया भैया, विस्तृत प्रक्रिया। देखिए तो मूल्यांकन जो है एक प्रक्रिया है, बालक के गुण दोष उसमें क्या परिवर्तन आया, माने ये इसको आप विस्तृत प्रक्रिया बताएंगे। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये एक सरल प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया, संक्षिप्त नहीं, बल्कि क्या बताएंगे, विस्तृत प्रक्रिया। और याद रखिएगा जो आंसर मैं दूंगा, मैंने हमेशा आपसे कहा है उसका कभी जरूरत पड़ेगी तो प्रूफ भी देने का काम मैं ही करूंगा, ठीक है। मतलब सॉलिड जगह से सॉलिड पॉइंट, सॉलिड प्रूफ देने का काम ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं वो प्रश्न दे रहा हूं, राइट। बिल्कुल ये बात आप समझ सकते हैं, विश्वसनीयता आप समझ सकते हैं। चलिए, बालक के व्यवहार परिवर्तन में शामिल तत्व तो है। देखिए बालक के व्यवहार परिवर्तन में शामिल तत्व तो है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उपर्युक्त सभी। अब देखिए बालक के व्यवहार परिवर्तन में जब आप मूल्यांकन करते हैं बालक का, उसके व्यवहार में परिवर्तन की बात किया जाए तो ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक का मतलब हुआ जानकारी, सूचना, ज्ञान। ज्ञानात्मक का मत तात्पर्य आप लेंगे ज्ञान, किसी भी चीज का ज्ञान, सूचना, जानकारी। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, ध्यान सुनिएगा, बहुत ही अच्छा एग्जांपल। जैसे घोड़ा शब्द, घोड़ा शब्द की जानकारी होना, यह ज्ञानात्मक पक्ष है। लेकिन घोड़ा शब्द से, घोड़ा से प्रेम हो जाना, उसे, उसके प्रति लगाव हो जाना, यह क्या है, भावात्मक पक्ष है। और घोड़ा का प्रयोग क्या है, यह क्रियात्मक पक्ष है। देखिएगा इतना सटीक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, मतलब किसी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, उसके उसके क्रियात्मक पहलू की बात किया जाए, उसके प्रयोग से स्पष्ट होगा। जब आप प्रयोग करेंगे, कार्य करने की अवस्था ही क्रियात्मक दशा है। तो मैंने आपको बहुत स्पष्ट बताया भाई, बालक के व्यवहार में परिवर्तन में शामिल है उसके ज्ञान को भी परखा जाता है कि भाई घोड़ा शब्द की जानकारी, किसी भी शब्द की जानकारी है कि नहीं, तो वो ज्ञान हुआ। ज्ञानात्मक से तात्पर्य आप लेंगे, तीन वर्ड मैं विशेष तौर पर दे रहा हूं, ज्ञान, जानकारी, सूचना। ये किसको इंडिकेट करेगा, ये ज्ञानात्मक को, ज्ञानात्मक को, किसी भी चीज की का ज्ञान होना, जानकारी होना या उसकी सूचना होना, ये किसको स्पष्ट करेगा, ज्ञानात्मक को। और किसी वस्तु के प्रति प्रेम होना, सहानुभूति होना, वो किसे स्पष्ट करेगा, भावात्मक पक्ष को स्पष्ट करेगा। किसी भी वस्तु के प्रति समझ, किसी भी वस्तु के प्रति अनुभूति, ये किसको स्पष्ट करेगा, ये भावात्मक पक्ष को स्पष्ट करेगा। और किसी भी वस्तु के प्रयोग, ये क्रियात्मक पक्ष को स्पष्ट करेगा, क्रियात्मक। तो ये तीनों, तो बालक भाई अब घोड़े शब्द को जाने, घोड़े शब्द से बालक प्रेम करें, है ना, सहानुभूत हो उसके अंदर, और घोड़े का प्रयोग करना जाने, ये तीनों पॉइंट बालक के व्यवहार में शामिल है, ये तीनों शामिल होंगे, ये तीनों शामिल होंगे, मतलब ये तीनों। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बहुत ही स्टैंडर्ड प्रश्न दिया है आज आपके लिए, और आज आप, आज के डेट में आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप समझेंगे कि वागेश सर आपके लिए कितना मेहनत करते हैं, कितना सोचते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, और तब जाके ये वीडियो इस तरह के प्रश्न आते हैं। और
आपको बारीक से बारीक चीजों से अवगत कराने का प्रयास करते हैं, ये आपको खुद ही एहसास होगा। ये पूरा पूरा वीडियो आप देखिएगा और खुद ही आप एहसास करेंगे और आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे इस वीडियो को शेयर किए बिना, कमेंट किए बिना। कोई भी स्टूडेंट जो देखेगा वो कमेंट करेगा, ये मेरा मेरा मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है अधिगम की उपलब्धि का पता लगाना, बालकों की कठिनाइयों का पता लगाना, अध्ययन और अध्यापन की प्रभावशीलता का पता लगाना, व्यवहार के मापन का मापन करके अंक प्रदान करना। देखिए यहाँ पे चार पॉइंट दिया गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, ये क्वेश्चन दिया गया है, मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, तो भाई व्यवहार का मापन करके अंक प्रदान करना। देखिए किसी व्यवहार का आकलन करके अंक प्रदान करना, अंक जब आपने प्रदान कर दिया तो ये मापन है, ये मूल्यांकन नहीं, ये क्या है, मापन है। आपने व्यवहार का मापन करके अंक प्रदान किया, किसी के व्यवहार का आकलन करके अंक दे दिया तो उसको मापन बोलेंगे। जब अंक शब्द आ जाएगा तो याद रखिएगा इसको आप क्या बोलेंगे, मापन बोलेंगे। मूल्यांकन में क्या होता है, गुण दोषों का विवेचन होता है, व्याख्या होती है। मूल्यांकन क्या होता है, गुण दोषों का विवेचन होता है, व्याख्या होती है। तो भाई मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है तो अधिगम की उपलब्धि का पता लगाना, ये उद्देश्य है। बालकों की कठिनाइयों का पता लगाना, ये भी है। अध्ययन और अध्यापन की प्रभावशीलता का पता लगाना, बिल्कुल ये भी है। ये केवल नहीं होगा, क्या नहीं होगा भैया, व्यवहार का मापन करके अंक प्रदान करना, ये नहीं है। मैंने आपको बहुत स्पष्ट बता दिया कि व्यवहार का आकलन करके अंक प्रदान करना, ये वर्ड आपको मिल जाए अंक प्रदान करना, तो वो मूल्यांकन नहीं बल्कि क्या होगा, मापन, मापन। ओके, मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि एक एक चीज को, दूध का दूध पानी का पानी, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आइए देखिए, कोई भी वस्तु जिसका अस्तित्व है वह किसी मात्रा में है तो उसे मापा जा सकता है, वह यदि वह किसी मात्रा में है तो उसे मापा जा सकता है, यह कथन है वाइगोत्स्की का, स्कीनर का, थॉर्नडाइक का, इनमें से कोई नहीं। मैंने प्रत्येक बार एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, आप कमेंट करके बताएंगे, प्रत्येक बार मैं सभी का, तो ये 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और प्रत्येक मैंने अपने टॉप 10 में एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, आप इसका आंसर देंगे। सभी मेरे टॉप 10 में एक क्वेश्चन होते हैं जो आपके लिए होते हैं, आपको जवाब देना होता है, तो ये क्वेश्चन सभी का उत्तर दूंगा मैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए। ओके, चलिए, मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष से तात्पर्य है ज्ञान, जानकारी, सूचना, उपयुक्त सभी। देखिए ज्ञानात्मक पक्ष की अभी जस्ट मैंने चर्चा किया भैया, ज्ञानात्मक पक्ष में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, किसी भी विशेष की ज्ञान के संदर्भ में ज्ञान होना, के संदर्भ में जानकारी होना, के संदर्भ में सूचना होना ही ज्ञानात्मक पक्ष है। यानी अगर ये तीनों वर्ड आ जाएं, ठीक है, ये तीनों वर्ड आ जाएं, किसी भी तथ्य के व्यापकता की का ज्ञान, कुछ भी कैसे भी घुमा फिरा के दे दे, लेकिन अगर लास्ट में ज्ञान लगा है, लास्ट में जानकारी लगा हुआ है, कितना भी कैसे भी घुमा फिरा के दे दे, लास्ट में सूचना लगा हुआ है, तो समझ जाइएगा किसकी बात की जा रही है भैया, ज्ञानात्मक की बात की जा रही है। लेकिन कभी भी समझ की बात की जाए, समझ की बात के प्रति, समझ की बात की जाए के प्रति, अनुभूत की बात की जाए के प्रति, सहानुभूत की बात की जाए के प्रति, प्रेम की बात की जाए, तो समझ लीजिएगा वो ज्ञानात्मक नहीं बल्कि किसकी बात की जा रही है, संवेगात्मक, है ना, क्या आपका संवेग क्या है, संवेगात्मक पहलू की बात की जा रही है। लेकिन उसके कार्यों की बात की जाए, क्रियाशीलता की बात की जाए, तो क्रियात्मक पहलू की बात हो रही है, क्रियात्मक पहलू की बात हो रही है। उसके फंक्शन की बात की जाए, कैसे कार्य करता है, इसका कार्य क्या है, इसकी बात की जाए, तो वो क्रियात्मक पहलू है। ठीक है, इन पे जो है आप वीडियोज को देखते रहा करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर हम करते रहते हैं और भी स्पष्ट करते रहते हैं। चलिए क्रियात्मक पक्ष देखिए, यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 हम ले रहे हैं। क्रियात्मक पक्ष में शामिल तत्व है स्मृति स्तर का ज्ञान, सहानुभूत की समझ, व्यवहारिक प्रयोग, याद करने योग्य बातें। देखिए क्रियात्मक पक्ष हमने आपको पहले ही बताया भैया, कि हमने घोड़ा से ही आपको बता दिया कि घोड़ा शब्द की जानकारी होना ये ज्ञानात्मक है,
समझिएगा, घोड़े के प्रति प्रेम स्नेह ये भावात्मक है, और घोड़े का प्रयोग कैसे होता है ये क्रियात्मक है। यानी प्रयोग शब्द आ जाए, है ना, उसका कैसे समायोजन करना है, क्रियान्वयन कैसे करना है, ये समायोजन शब्द आ जाए, क्रियान्वयन शब्द आ जाए, प्रयोग शब्द आ जाए, तो समझ जाइएगा क्रियात्मक पक्ष की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, स्मृत स्तर का ज्ञान, हम मैंने आपको बताया कि ज्ञान की बात की जाए, जानकारी की बात की जाए, ये ट्रिक बना लीजिए, ज्ञान की बात की जाए, जानकारी की बात की जाए, सूचना की बात की जाए, तो समझ जाइए किसकी बात हो रही है, ज्ञानात्मक की बात हो रही है। समझ की बात की जाए, सहानुभूत की समझ, अनुभूत की बात की जाए, तो समझ जाइए भावात्मक पक्ष की बात हो रही है ना। और देखिए व्यवहारिक प्रयोग, प्रयोग की बात की जाए, समायोजन की बात की जाए, क्रियान्वयन की बात की जाए, तो समझ जाइए क्रियात्मक पक्ष है। फिर से पॉइंट नोट कर लीजिए, क्रियात्मक पक्ष जब प्रयोग की बात की जाए, जब समायोजन की बात की जाए, क्रियान्वयन की बात की जाए, तो प्रयोग तो ये क्या हो जाएगा, क्रियात्मक पक्ष हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ज्ञान की बात की जाए, जानकारी की बात की जाए, सूचना की बात की जाए, तो समझ जाइए ज्ञानात्मक पक्ष की बात हो रही है। और जब प्रेम की बात की जाए, सहानुभूत की बात की जाए, के प्रति समझ की बात की जाए, किसी के प्रति अनुभूत की बात की जाए, तो समझ जाइए ये भावात्मक पक्ष है। ये जो मैंने आपको ट्रिक दिया, इस ट्रिक का आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये डिसीजन लेने में बड़ी मदद करेगा, क्योंकि इसमें छात्र उलझ जाते हैं। ओके गाइस, इसको मैं एक और उदाहरण के माध्यम से आपको स्पष्ट करता हूँ, क्योंकि मैं आपकी मैक्सिमम हेल्प करना चाहता हूँ। आप समझिए, जैसे कबीर है, कबीर की जीवनी के विषय में जानकारी, ये क्या है, ये कबीर के जीवनी के विषय में जानकारी, ये ज्ञानात्मक पक्ष है। लेकिन कबीर के द्वारा प्रयोग किए गए उनके संवेगात्मक पहलू, भावात्मक पहलू, जो प्रेम के पहलू है, जो सहानुभूत के पहलू है, वो सब भावात्मक हो जाएंगे। और यदि यदि परीक्षा में आप इनसे संबंधित प्रश्नों का क्रियान्वयन कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, समझ जाइए ये क्या है, इसको क्रियान्वयन बोलेंगे, क्रियान्वित कर लिया आपने, वो क्रियान्वयन है। तो मैंने आपको कई उदाहरण दे दिए, कई प्रकार से मैंने क्रियान्वयन पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, इसमें आप लोग उलझ जाते हैं और लाइफ टाइम नहीं समझ पाते हैं। आज मैंने कई उदाहरण देकर आप में, आज मैंने आपको वो पार्ट दिया है जो जहाँ पे आप उलझे रहते हैं, परेशान रहते हैं, नहीं समझ पाते हैं। ये आपको जरूर समझ में आ रहा होगा कि आपके भाई ने आपको क्या दिया है। ओके गाइस, हाँ एक चीज और, मैं आपको इन प्रश्नों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको और बता दूं कि आप मेरे कहने पे, बिल्कुल आप मेरे कहने पे ऑनलाइन क्लास अभी भी नहीं ज्वाइन किए हैं, तो एक मौका और हम आपको दे रहे हैं, एक मौका और हम आपको दे रहे हैं। और अब आपकी जो फीस 3,090 रुपये है, इस फी को हम कम कर दे रहे हैं, क्योंकि समय थोड़ा सा कम बचा हुआ है, 7 जुलाई को आपका एग्जाम है। डियर फ्रेंड्स, हम आपकी मैक्सिमम हेल्प करना, हम चाहते हैं यार मैक्सिमम हमारे भाई बहन सीटेट में सफल हो, सक्सेस हो, हमारी ये सोच है। इसलिए आपकी हेल्प के लिए वो हर वो डिसीजन हम लेंगे जो आपके लिए लाभकारी है। बिल्कुल, जो फ्रेंड्स नहीं ले पाए हैं, समय कम बचा है, 7 जुलाई का एग्जाम है, केवल और केवल अब आपकी फीस होगी 2,090 रुपये, और 10 मई तक ले रहे हैं, ठीक है। कई फ्रेंड्स ने, कई जो गरीब मित्र हैं, बहुत रिक्वेस्ट, कई दिनों से रिक्वेस्ट आपके आ रहे थे, तो आप मत सोचिए कि आपके बारे में सोचता नहीं आपका भाई, आपका भाई सोचता है आपके बारे में, और उसका ये परिणाम है, ठीक है। बिल्कुल आपके लिए ये देखिए, अब आप खुद ही समझ में आ गए होंगे कि आपके बारे में जो कई दिनों से आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर दिक्कत है, तो ये अब 10 मई तक अपना एडमिशन ले लीजिए, और बिल्कुल मेरे कहने पे आप एडमिशन लीजिए, और बिल्कुल आपका भला होगा, बिल्कुल आप सफल होंगे, तय है सफल होंगे, पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। ये 9305077569 ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करिए, और आपको हम अकाउंट नंबर देंगे, उस अकाउंट नंबर में सीधे आप ये पेमेंट करिए 2,090 रुपये, और सीधे आप पेमेंट करके अपना एडमिशन सुनिश्चित करा लीजिए। आपको आईडी पासवर्ड दे दी जाएगी, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। इस पे सीटेट एंट्री लिखिएगा, व्हाट्सएप करिए, सीटेट एंट्री लिख के व्हाट्सएप करिए, ओके,
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका भाई आपके लिए कोई भी डिसीजन ले सकता है आपकी सफलता के लिए। ओके, तो ये बहुत बड़ी सौगात आप सबको दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्तमान समय में सीबीएसई में शामिल है सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, वार्षिक परीक्षा, ए और बी दोनों। देखिए वर्तमान समय में सीबीएसई में शामिल है सतत मूल्यांकन, और पहले देखिए परंपरागत मूल्यांकन था, और अब परंपरागत मूल्यांकन वो जिसको छमाही और सालाना जिसको आप बोलते थे वार्षिक, अब जो है किस पे बल दिया जा रहा है, अब वर्तमान समय में जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, समतुल्य परिस्थितियों में एक प्रश्न का उत्तर परिणाम समान आता है वह परीक्षण कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल आप जवाब देने का प्रयास कर सकते हैं। निश्चित रूप से बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैंने लिया है, और इसकी व्याख्या आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। बिल्कुल बहुत ही देखिए, समतुल्य परिस्थितियों में एक प्रश्न का उत्तर परिणाम समान आता है वह परीक्षण कहलाता है। देखिए आप एक दुकानदार के पास जाते हैं, सुनिएगा ध्यान से, एक दुकानदार के पास आप जाते हैं, कई बार जाते हैं, दो बार, तीन बार, चार बार गए दुकानदार के पास, मतलब आप बार बार उस दुकानदार के पास क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि आप कई बार आजमाइश कर लिए, समतुल्य परिस्थितियां यानी कई बार आपने आजमाइश कर लिया कि वो दुकानदार विश्वसनीय है, तभी आप बार बार भेज रहे हैं। अरे यार वहीं से लेना सामान, वहीं से लेना, यानी समतुल्य परिस्थितियां यानी कई बार वही परिस्थितियां आप क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब वो दुकानदार क्या है भैया, विश्वसनीय। मैं विश्वसनीयता और वैध परीक्षण, विश्वसनीय परीक्षण और वैध परीक्षण की व्याख्या करने जा रहा हूं, और ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखिए वैध परीक्षण क्या होता है और विश्वसनीय परीक्षण क्या होता है, आप इसको समझिएगा। देखिए वैध परीक्षण की अगर बात किया जाए तो यहां पे होता क्या है कि एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही रूप, जब आप एक ही कॉन्सेप्ट को लेते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट का मतलब आप समझिएगा, जैसे आपने ये डिसाइड, एग्जांपल से समझिएगा, जैसे आपने ये डिसाइड कर लिया कि पढ़ना पर परीक्षण करना है, बालक के पढ़ना पर परीक्षण करना है, और आप परीक्षण करने लगे लिखना पर, तो आपका जो परीक्षण हो गया वो वैध नहीं बल्कि क्या हो गया, अवैध हो गया। तो वैध परीक्षण क्या होता है, निश्चित उद्देश्यों से युक्त होता है। वैध परीक्षण जो होता है, आपने पढ़ना पे परीक्षण कर रहे हैं, आप पढ़ना पे परीक्षण कर रहे हैं तो पढ़ना पे ही परीक्षण करेंगे, ये वैध हुआ। लेकिन अगर आप लिखना पे परीक्षण करने लगे, इसका मतलब आपका जो परीक्षण है वो अवैध है। अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि वैध परीक्षण जो होता है वो निश्चित उद्देश्यों से युक्त होता है, निश्चित रूपरेखा से युक्त होता है वैध परीक्षण। ये नहीं कि आपने जो डिसाइड किया उसी का परीक्षण आप करेंगे, पढ़ना का डिसाइड किया पढ़ना का ही परीक्षण करेंगे, आपने लिखना का परीक्षण करने लगे तो वो परीक्षण अवैध परीक्षण कहलाएगा। अब देखिए यहां पे बात, क्वेश्चन क्या है, यहां समतुल्य परिस्थितियों में, यानी भाई कई बार वही परिस्थितियां आप क्रिएट कर रहे हैं, यानी दुकानदार के पास कई बार आप जा रहे हैं, इसका मतलब वो दुकानदार क्या है आपके लिए, विश्वसनीय है। भाई ऐसे समझो, लाइफ में जब कई बार वो घटना उसी रूप में घटित हो रही है, जैसे आपने देखा कि चंद्रा इंस्टीट्यूट लगातार टेट, सीटेट, सुपर टेट, इस तरह से शिक्षक भर्ती, टीजीटी, इस तरह के शिक्षक से संबंधित परीक्षाओं में लगातार सफलता दे रहा है, मतलब होता है कि एक बार हो जाए, मतलब लगातार जब से कंटिन्यू, अगर हम कह रहे हैं 2011, 2012, जो है 13, मतलब लगातार अगर आप सफलता दे रहे हैं तो इसको बोलेंगे विश्वसनीयता। अब समझिएगा बात को, इसको क्या बोलेंगे, विश्वसनीयता। तो चंद्रा इंस्टीट्यूट के प्रति जो आज के डेट में विश्वसनीयता क्रिएट हुई है, पूरे छात्र चंद्रा 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 का नाम लेते हैं, वो इसको बोलेंगे, क्योंकि समतुल्य परिस्थितियों में भाई 2011 में, 2012 में, 2013 में समतुल्य परिस्थितियों में एग्जाम दिया बच्चों ने,
और चंद्रा के छात्र मैक्सिमम सफल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि समतुल्य परिस्थितियों में चंद्रा इंस्टीट्यूट ने विश्वसनीयता हासिल कर ली है। इस तरह के शिक्षक भर्ती संबंधी परीक्षाओं में चंद्रा इंस्टीट्यूट मतलब एक विश्वसनीय संस्था हो गया है। तो देखिए, अब बात समझिएगा, समतुल्य परिस्थितियों में बार बार अगर कोई घटना घटित हो रही है और वही हो रही है, बार बार वो दुकानदार के पास आप जाते हो और अच्छी चीज़ दे रहा है, क्वालिटी वाली चीज़ दे रहा है, इसका मतलब वो दुकानदार क्या हुआ? विश्वसनीय हुआ। हमारे पास बार बार छात्र आ रहे हैं, हम अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, इसका मतलब हम क्या हुए? विश्वसनीय हुए। तो वही बात हम बता रहे हैं, समतुल्य परिस्थितियों में एक प्रश्न का उत्तर परिणाम समान आता है, मतलब वही बार बार उत्तर वही आ रहा है, क्वालिटी वही जा रही है, तो वो क्या होगा? विश्वसनीय होगा। अब विश्वसनीयता और वैधता में बारीक सा अंतर मैंने आपको बताया, और कितना परिश्रम करके, कितनी कोशिश करके मैं आपको ये चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ। मेरे भाई बहन, आप लोग समझ सकते हैं कि जो वास्तव में अपना भाई बहन मानता है वही ऐसा कर सकता है, ये समझ लीजिएगा। बिल्कुल, ये आप लोग जरूर इसका एहसास करेंगे, क्योंकि आप अच्छे नंबर पाएं, ये हमारी कोशिश है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, जरूर आपको बेनिफिट होगा, निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका भाई समर्पित भाव से, पूरे मन से, पूरे दिल से आपके लिए वर्क कर रहा है। क्यों नहीं फायदा होगा? कैसे नहीं सफल होंगे चंद्रा इंस्टीट्यूट के छात्र? क्यों नहीं सफल होंगे? ये जिद है हमारी, सफल करके ही छोड़ेंगे, सफलता दिला के ही रहेंगे और दिला के रहते हैं बस। चलिए, यदि परीक्षण का परिणाम परीक्षक के विचारधारा रुचि से प्रभावित नहीं होता है तो वह परीक्षण कहलाएगा। देखिए कितने स्टैंडर्ड प्रश्न, वाव, आप आंसर देने का प्रयास करिए, कितने स्टैंडर्ड प्रश्न, इनकी व्याख्या मैं करने जा रहा हूं, आप देखिएगा। यदि परीक्षण का परिणाम परीक्षक के विचारधारा रुचि से प्रभावित नहीं होता है तो वह परीक्षण कहलाएगा। व्यवहारिक परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, उपर्युक्त सभी। देखिए फिर से क्वेश्चन को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि परीक्षक का परिणाम परीक्षक के विचारधारा रुचि से प्रभावित नहीं होता है तो वह परीक्षण कहलाएगा। सुनिएगा ध्यान से, जब अध्यापक कोई प्रश्न आपसे पूछे, कोई भी प्रश्न आपसे, कोई बात आपसे की जा रही, पूछी जा रही है, अब छात्र के दो पहलू होते हैं। एक पहलू क्या होता है कि वो वही जवाब देता है जो अध्यापक सोच रहा है, एक वो अपने विचारों के तहत, अपने सोच के तहत वो जवाब देता है। तो समझिएगा दोनों में बारीक सा अंतर क्या है, आप समझिएगा। जैसे इंटरव्यू में बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा इंटरव्यू में बहुत से लोग सफल असफल हो जाते हैं। तो इंटरव्यू में होता क्या है, यही होता है, या तो आत्मनिष्ठ की स्थिति आती है या तो वस्तुनिष्ठ की स्थिति आती है, या तो फिर किसकी स्थिति आती है, वस्तुनिष्ठ। तो देखिए आत्मनिष्ठ परीक्षण क्या होता है कि जो अध्यापक या परीक्षक सोच रहा है वही जवाब सामने वाला दे, ये आत्मनिष्ठ परीक्षण है। और जो अध्यापक या परीक्षक सोच रहा है उससे प्रभावित नहीं है, उससे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उत्तर है तो इसे आप बोलेंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अब बात आपको समझ में आई होगी। देखिए कह क्या रहा है, परीक्षक के विचारधारा रुचि से प्रभावित नहीं, परीक्षक के विचारधारा रुचि से प्रभावित नहीं, तो यह क्या हो जाएगा बताइए? वस्तुनिष्ठ परीक्षण। हाँ, परीक्षक जैसा चाहता है वही उत्तर आप दो, तो यह क्या हो जाएगा? आत्मनिष्ठ परीक्षण। तो ये दोनों में बारीक सा अंतर है। कितने स्टैंडर्ड प्रश्न आपके लिए लिया है और कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट को हमने बताने का प्रयास किया है, ये जरूर आपका मन समझ रहा होगा। वीडियो को दो बार देखिएगा, कॉन्सेप्ट जरूर दूध का पानी होगा।
हम जो अपने लेक्चर देते हैं, जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, जो हम लेक्चर देते हैं, वहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरे लेक्चर होते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपका और भी दूध का दूध पानी का पानी, जैसे हमारे जो ओपन वीडियोज़ होते हैं उसमें कुछ ही होते हैं, लेकिन वहाँ पर हम पूरा का पूरा पूरा सभी सब्जेक्ट के पूरा मैटर और एक एक चीज़ें स्पष्ट करके। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप, बल्कि फीस देखिए कम कर दी गई है, लेकिन आप गलती नहीं कर सकते, बिल्कुल गलती नहीं कर सकते। कहीं आपने कोचिंग भी ज्वाइन की है तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत ही कम फीस है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। चूँकि हमारा उद्देश्य है कि मेरे एक एक भाई बहन सफल हों, क्योंकि सुपर ट्रेड तो चंद्रा में ही करना है भाई। सुपर ट्रेड तो मतलब आप खुद ही जानते हैं कि लगभग जितने छात्र आए, लगभग सब के सब, कितने बड़े स्तर पर चंद्रा इंस्टीट्यूट ने सफलता दिलाई है सुपर टेट में। लगभग मैक्सिमम जिसको आप बोल सकते हैं 80-90% जो स्टूडेंट सफल हो रहे हैं वो चंद्रा के हैं, चंद्रा के नोट्स लिए हैं, चंद्रा का मैटर लिए हैं। ये बात सबको पता है, ये बात मैं भी बोल रहा हूँ, वो आपको भी पता है, वो सबको पता है। ओके गाइज, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भारत के स्कूलों में कब लागू हुआ। देखिए इसकी चर्चा किया था 2005 में यशपाल, डॉक्टर यशपाल महोदय ने, NCF 2005 की जब बात की थी, लेकिन ये जो लागू हुआ था, ये लागू हुआ था मित्रों 2009 में, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह के उलझाऊ प्रश्न आपको मिल जाते हैं और आप वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको प्रॉब्लम हो जाती है। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने आपके लिए परिश्रम किया है, कोशिश की है, दिल से समर्पित भाव से कोशिश की है। अब ये देखना है कि कौन ऐसा मित्र है जो इसको लाइक नहीं करता, जो इसको शेयर नहीं करता, जो कमेंट नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इस वीडियो को देखेगा वो हर मित्र, हर साथी इसको शेयर जरूर करेगा, कमेंट जरूर करेगा, लाइक जरूर करेगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब से साथ की मर्जी। ओके, थैंक यू वेरी मच।